नमस्कार, मेरे ये वीडियो में तीन हिंदी अखबार सन्मार्ग, वर्तमान पत्रिका और प्रभात खबर जो कि कोलकाता से पब्लिश होता है, उसका पहला पेज का हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और मेरा चैनल में आप नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सन्मार्ग का पहला पेज का पहला हेडलाइन, स्पेन में ममता ने की धुआंधार बैठक, कई अहम फैसले हुए। ब्रांड ज़ारा अपना प्रोडक्शन यूनिट बंगाल में शिफ्ट करेगा। लालीगा को फुटबॉल एकेडमी खोलने का प्रस्ताव। राज्यों में अब स्पेनिश पढ़ने का अवसर मिल सकता है। 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट और विवाह पंजीकरण के लिए लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट। सनातन पर हमला कर देश को गुलामी में धकेलना चाहते हैं घमंडिया नेता मोदी। बड़ावाजर में करोड़ों की धोखेदारी। तो ये था सन्मार्ग का पहला पेज का आखिरी हेडलाइन। अब वर्तमान पत्रिका, 12 पूर्व वीसी ने राज्यपाल को भेजा मानहानि का नोटिस, कहा 15 दिन में मांगे माफी या 50 लाख का मामला। आहत वीसी, राज्यपाल ने उन पर पक्षपाती, फ्रॉस्ट और छात्रों को परेशान करने का आरोप लगाया है। पूरे देश में पूर्व वीसी द्वारा राज्यपाल को ऐसे पत्र देने का ये पहला मामला। चुनावी जीत के लिए केंद्र ने खोला खजाना, गांधी जी और स्वामी विवेकानंद के नाम पर हिंदुत्व को दी धार। सनातन शरणम मोदी, हार का डर। पीएम मोदी के भाषण में बार बार सनातन धर्म की वापसी हुई। G20 के सफल आयोजन सहित कई सफलता भी चुनाव विजय की भरोसे नहीं दे पा रही। 9 साल के कार्यकाल को अमृतकाल बनाने वाले पीएम को अपने काम पर भरोसा नहीं। गुरुवार को पीएम ने एमपी और छत्तीसगढ़ को 57,000 करोड़ रुपये की परियोजना दी। हिंदी दिवस पर भी केंद्र सरकार का एजेंडा साफ, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बनेगा अगला हथियार। बिहार, बागमती नदी में डूबी नाव, 12 लापता, अधिकतर स्कूली बच्चे, हृदय विदारक। देर शाम अंधेरे की वजह से राहत और बचाव कार्य को रोका गया, अभी भी लापता 12 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है। कश्मीर में दूसरे दिन भी जारी रहा एनकाउंटर। नई दिशा, भोपाल, नागपुर, पटना और लखनऊ में भी विपक्षी गठबंधन की जनसभा। पूजा बाद कोलकाता में इंडिया इंडिया। तो ये था वर्तमान पत्रिका का पहला पेज का आखिरी हेडलाइन। आप प्रभात खबर, शिक्षक भर्ती घोटाला, हाईकोर्ट ने ईडी को 1 हफ्ते में जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने लिप्सन बाउंड कंपनी के सीईओ और सभी निदेशकों की संपत्ति का मांगा ब्यौरा। गिरफ्तार आरोपी कुणाल घोष के पत्र मामले में जांच सिर्फ सीबीआई करेगी। फाइल डाउनलोड मामले में ईडी अधिकारी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। राज्यपाल ही कर सकते हैं विश्वविद्यालय की कुलपतियों की नियुक्ति, धर्मेंद्र प्रधान। विपक्ष सनातन संस्कारों को खत्म करने पर उतारू पीएम। पीएम ने मध्य प्रदेश में 50,800 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मोदी बोले, G20 की सफलता से आज सभी देशवासी गौरवान्वित तो है। बच्चों की जुबान पर G20 का नाम, वे आत्मविश्वास से भरे हैं। जनता सेवा की गारंटी को हम निरंतर कर रहे हैं पूरा। विपक्षी को घमंडी ना कहे पीएम। कांग्रेस, तेजी से फैल रहा डेंगू, 25,000 से ज़्यादा लोग पीड़ित। दुर्गापुर, आसनसोल, कोलकाता, उत्तर 24 परगना और हावड़ा की स्थिति बेहद खराब। डेंगू रोकने के बजाय रिपोर्ट दबाने में लगी है सरकार, डॉक्टर स्वपन। अगरतला गंगासागर रेलवे लिंक का परीक्षण बांग्लादेश में रहा सफल। आधार बनाना हो या ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र सभी काम में एकल दस्तावेज। 1 अक्टूबर से लागू होगा संशोधित कानून। चंदननगर के कारीगर को दुर्गा पूजा से 6 महीने पहले ही मिलने लगते हैं लाइटिंग की ऑर्डर। पूजा पंडाल की लाइटिंग में चंद्रयान 3 की कामयाबी दिखाने की होड़। तो ये था प्रभात खबर का पहला पेज का आखिरी हेडलाइन। कल फिर नया खबर के साथ नया वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।